अब हो भी जाओ स्टार्ट। रघु भैया ये स्टार्ट क्यों नहीं होता? मीना जरा वो स्पैनर तो पकड़ा। हाँ ये पकड़ा, गड़बड़ यहाँ है। क्या हुआ? देखा ये कार्बोरेटर है, ये ठीक से काम नहीं कर रहा। देखा मिठू, ये थी गड़बड़, ये कार्बोरेटर। क्या तुम इसकी मरम्मत कर सकते हो? हाँ मुझे एक तरकीब आती है। ओ तरकीब? तरकीब तरकीब? पर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ ये पिन देख रही हो? हाँ ये, जब मैं इंजन स्टार्ट करूँ इसे नीचे को दबाना ऐसे। अब दबाओ मीना, एक बार और दबाओ, एक बार और, बस बस एक बार और। चल रहा है। हाँ तो अब तरकीब समझ में आ गई ना? धन्यवाद भैया। मिठू अब जल्दी चलो, दादी माँ इंतजार कर रही होंगी। कार्बोरेटर, कार्बोरेटर। फिर आना, तुम्हारे जैसा साथी मुझे कभी नहीं मिला। ओह ट्रेन आ रही है, अब तो और देर हो जाएगी। ओ लड़की अपनी सूरत तो देख, क्या कर रही थी तू? ट्रैक्टर मरम्मत करने में रघु भैया की मदद कर रही थी। ट्रैक्टर? लो ये ही बाकी था। जल्दी कर, ये सामान वीरू चाचा के घर दिया। दादी माँ क्या ये सब लीला भाभी के लिए है? हाँ हाँ माँ कह रही थी उनके जल्दी ही बच्चा होने वाला है। अरे अब जल्दी से चल, रास्ते में कहीं भी रुकना नहीं। जल्दी, जल्दी। नमस्ते चाची। अरे ये सब क्या लाई हो मीना? लीला भाभी के लिए कुछ है। वो कहाँ है? वो वहाँ। यहाँ हूँ मीना। आज तुम यहाँ कैसे आ निकली? लीला भाभी दादी ने ये आपके लिए भेजा है। सब मेरा कितना ख्याल रखते हैं। और ये बच्चे के लिए। मेरी प्यारी मीना, बच्चा कब आएगा? बस सब कुछ ही दिनों में। भाभी क्या आपका बच्चा आपकी अम्मा के घर होगा? क्या कहा, उसकी माँ के घर? मेरा पहला पोता तो यही होगा। पोता? पर चाचा लड़की भी तो हो सकती है। लड़की? बिल्कुल नहीं, वो लड़का ही होगा। लड़का ही होगा? क्या कहा लड़की? ना बाबा ना, इस घर में ऐसी मनहूस बात मत करना। हमारे खानदान में पहला बच्चा हमेशा लड़का ही हुआ है। चाचा तुम कहाँ जा रहे हो? बैंक, नए मैनेजर से मिलने। ओह क्या मैं भी साथ चलूं? मैं भी। ठीक है आ जाओ, पर लड़की होने की बात मत करना। हाँ देखो मीना, लड़का होने से खानदान का नाम रोशन होता है। रोशन? वो परिवार का नाम आगे बढ़ाता है। चुप हो जाओ मिठू। लड़का संपत्ति का वारिस बनता है, लड़का जीवन में बहुत कुछ बन सकता है, डॉक्टर, वकील, बैंक का ऑफिसर या मंत्री भी। हाँ?
मंत्री, मंत्री भी। आओ मीना, माँ कैसी हैं? खान बहन जी, माँ बहुत खुश है क्योंकि आपने गाय खरीदने के लिए बैंक से कर्ज जो दिलवाया। मैं नए बैंक मैनेजर से मिलना चाहता हूँ। मैं हूँ मैनेजर, कहीं क्या कर सकती हूँ? आप मैनेजर? पर आप तो ओ, ओ, औरत, ओ। औरत। वो कर्ज जो आपको ट्रैक्टर ठीक कराने को चाहिए, यहाँ आइए। ओ मिठू, ये कितनी अच्छी हैं। बहू, दाई को बुलाया है। लीला के अब किसी भी समय बच्चा हो सकता है, मुझे जाना होगा। दादी मैं भी चलूं? ठीक है ठीक है, पर बीच में टांग मत अड़ाना। दादी मैं भी चलूं? बिल्कुल नहीं। मैंने कभी बच्चा होते नहीं देखा, पर लाली की बछड़ा होते देखा था। कितना मजा आएगा ना। गरम पानी लेकर आओ। अभी लाई। बस आप किसी भी घड़ी। ओफो मीना, दूर रहो, जाओ अपने चाचा से बात करो। चलो मेरे साथ। कहाँ जा रहे हो चाचा? रेलवे स्टेशन रवि को लाने। खुश किस्मत बाप। क्या वे शहर से आ रहे हैं? हाँ, अपने सुंदर बच्चे के लिए, यानी मेरा पोता। क्या बात है, लड़के में कुछ गड़बड़ है क्या? वो लड़की है। हाँ, लड़की? लड़की ये कैसे हो गया? मैं रवि को कैसे बताऊंगा? ना ना, मैं उसे बिल्कुल नहीं बता सकता। मिठू देखो, वो रही शोभा अपने चूजों के पास। शोभा दीदी, वो अपनी माँ की देखभाल भी करती हैं। मैं चाहता था बस एक पोता, और मिली क्या, पोती। देखो वो रही खान बहन जी। खान बहन जी। लड़की का क्या फायदा, वो तो सिर्फ बोझ है। ओ, स्कूल की बहन जी। नमस्ते बहन जी। साइकिलें और हट जाओ रास्ते से। चलो शुरू हो जाओ। अरे शुरू भी हो जाओ, स्टार्ट। चाचा क्या पेट्रोल खत्म हो गया? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ट्रैक्टर नहीं, ये मेरी पूंजी है। मेरे पास जो कुछ है यही है, अब जिएंगे कैसे? ट्रैक्टर तो गया आज। अरे शुरू हो जा, शुरू हो जा। ओह मिठू, खड़े मत रहो। ए छोटे, धक्का लगवा। ओह मिठू, कुछ सोचो जल्दी से। कार्बोरेटर। हाँ तरकीब। हाँ तरकीब। चाचा जब मैं कहूँ तब इंजन चालू करना। छोरी तू क्या कर रही है? ओ बस चालू हो जाए जल्दी से। अब फिर कोशिश करो एक बार और। ओ मिठू, मेरा सयाना सयाना पंछी। ओ मीना, सयानी लड़की। मीना तूने मेरा ट्रैक्टर बचा लिया, तुझे कैसे पता चला कि क्या करना है? चाचा लड़कियाँ भी बहुत कुछ कर सकती हैं। बिल्कुल कर सकती हैं मीना। ये मेरी भतीजी है। पिताजी। जीते रहो बेटा, एक खुशखबरी है। क्या लड़का हुआ? नहीं, पर उतनी ही बढ़िया खबर है, लड़की हुई है। अरे वाह, लड़की कैसी है, किस पर पड़ी है? कितनी प्यारी बच्ची है। लीला मेरी पोती को यहाँ लाओ। हाँ। कितनी सुंदर बच्ची है। अरे वीरू, तुम लड़की के जन्म पर इतनी खुशियां मना रहे हो? अरे अब समय बदल गया है, मेरा मतलब
लड़कियों को लड़कों की तरह पालो तो वो लड़कों से कम नहीं होंगी। आज बहुत सी लड़कियां काम करती हैं और अपने माँ बाप का सहारा है। लड़की कुछ भी कर सकती है, वो एक टीचर बन सकती है या फिर डॉक्टर, या वो बिजनेस चला सकती है या फिर बैंक ऑफिसर, घर की देखभाल भी कर सकती है या मैकेनिक। हाँ, जरूरी नहीं कि वो लड़का ही हो। जरूरी नहीं लड़का ही हो। पढ़ना लिखना वो भी भविष्य बनाए अपना, भाई जैसा बहना भी पाए शिक्षा। लड़की हमारे कल की आशा और खुशियाँ, उनकी भी पूरी हो इच्छा अभिलाषा। बंधन हटाओ उनके, आगे बढ़ाओ